शुक्र के ब्लॉग में आपने देखा कि मेरी रॉकेट और एक गाय आमने सामने होते हैं। उसके बाद का मैंने आपको पिछले ब्लॉग में नहीं दिखाया था क्या हुआ था, तो ये वीडियो उसी के लिए है कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। सो मैं ब्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या सनसेट है भाई, फ़ोन से बना, फ़ोन से। फिर मैंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी कम की, फिर यहाँ देखिए मेरे फ्रेंड ने मेरे को क्रॉस किया। अरे अरे यार, अब लेफ्ट में देखिए एक इंसान दिख रहा है, पर उसके साथ वो गाय मेरे को उस टाइम विजिबल नहीं थी, पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता हूँ वो गाय सडन रोड पे आ जाती है और मेरा क्रैश हो जाता है। अरे यार, जैसे ही क्रैश होता है मेरा सबसे पहले हैंडल बार टूट जाता है और मैं और मेरी पिलियन सीधा रोड पे गिर जाते हैं। गाड़ी का कुछ अधिक, वो गाय 10 सेकंड के लिए तो रोड पे गिरी हुई थी और मेरे को बहुत डर लग रहा था कि गाय को कुछ ना हो, क्योंकि किसी गांव में आप किसी की गाय को ठोक देते हो तो फिर बहुत रिस्की हो जाता है वहां से निकलना। आप ये समझा ही नहीं पाओगे कि गलती किसकी थी, क्या हुआ था। सिचुएशन समझाने का कोशिश करोगे लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे, लेकिन होपफुली गाय को कुछ नहीं हुआ और स्पीड कम थी इसीलिए उस गाय को भी कुछ नहीं होता है। वहाँ पर जो लोग थे वो लोग मेरे सपोर्ट में ही थे, वहीं के गांव वाले बाइक में मेरे ही पीछे आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो गाय ही 2 सेकंड में मेरे आगे आ गई थी, एकदम कंट्रोल करने नहीं बना तो क्रैश हो गया। नहीं, गलती नहीं था, बैल का ही, बैल ही कूद गया, 2 सेकंड में कूद गया, मैं एकदम पीछे में था, जस्ट कंट्रोल करते करते सही हो गया। अरे तो ऐसा अचानक में तुम कितनी गलत पता रे भाई। फिर उन गांव वालों ने हमें बताया कि यहां से आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे कोई शॉप नहीं मिलने वाली क्योंकि पूरा घाटी है। सो उन्होंने बोला कि 3 किलोमीटर पीछे जहां से आप लोग आए थे घाघरा, वहां पर आप लोगों को दुकान मिल जाएगा और ऊपर से बहुत शाम भी हो गई थी, तो हम लोग ने सोचा कि पीछे ही चलना सेफ है। बड़ा बड़ा दुकान है, अगर हो जाता है तो कुछ नहीं हुआ ना, नहीं लगा हेलमेट का लगा सर, नहीं लगा ना। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।